हर जगह ये मस्ट होना चाहिए, मुझे लगता है हंसना मस्ट होना चाहिए। मतलब इसीलिए आप सब ये बात है, ये इतना कंफर्टेबल कर देते हैं एक्टर को कि कभी कभी ऐसा होता है कि बोलते बोलते कोई एक लाइन मुंह से निकल जाता है, मैं बोलता हूँ कि बस भाई ऐसा बोल दूँ, तो ये हमेशा ही ओपन रहे हैं उस चीज़ को लेकर कि हाँ। पर हाँ, विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं उनसे हमेशा जरूर सलाह करता था कि भाई ऐसा कुछ आ रहा है। तो दूसरी बात, मैंने जब पहला फिल्म का मुहूर्त शॉट दिया था, उस समय रात हम लोग कॉमेडी नाइट्स का शूट कर रहे थे, 2-2:30 बजे मेरा पैकअप हुआ। तो जब आपके पास कम टाइम होता है सोने के लिए, तो टेंशन में वो भी नींद नहीं आती, तो सुबह 6 बजे का 7 बजे का कॉल टाइम था मड में, तो मुझे टेंशन में वो जो 2-3 घंटे थे उसमें भी नींद नहीं आई। मैं पूरी रात नहीं सोया था, कॉमेडी नाइट्स का शूट किया था और एक सेकंड भी आंख नहीं लगी। तो मुहूर्त शॉट जब आप फिल्म में देखेंगे, तो जो मैं पहला शॉट है जो शादी का, वो मैंने पूरी रात जाग के दिया था, लेकिन पता नहीं वो एनर्जी कहाँ से आ गई। मेरे ख्याल से ऊपर वाला कुछ ना कुछ तो ध्यान रखता है आपका, सो इसीलिए हम लोग पहले गणेश वंदना करते हैं। सो उस रात मैंने बस भाई को बताया था, हाँ पर बिल्कुल ये बताया। इतना कंफर्ट कर देते हैं आर्टिस्ट को कि लगता नहीं हम लोग काम पे हैं, क्योंकि मैंने टीवी पे काम किया है। पिछले दिनों एक न्यूज़ आई थी कि आई हेट द वे टीवी वर्क्स, कोई कोई फैन के साथ चैटिंग कर रहे थे हम लोग। टीवी ने मुझे सब कुछ दिया है, बात ये नहीं है कि, लेकिन टीवी में क्या होता है कि जैसे मुझे स्लिप डिस्क हुआ फेब में, जब हम लोग गानों की शूट कर रहे थे, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ बिकॉज बहुत सारे र्यूमर्स आते हैं, हम लोग कभी नहीं मिल पाते इतना यूजली, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ हुआ क्या था। हम लोग गाने की शूटिंग कर रहे थे फेब में, उस दौरान मुझे स्लिप डिस्क हुआ था। फिर मैं 3-4 महीने खींचता रहा अपने आप को, क्योंकि एनी आपको यू हैव टू प्रोड्यूस एपिसोड फॉर द टेलीकास्ट, यू नो, अगर मैं संडे को एपिसोड मेरा जाना है तो चाहे मैं बीमार हूँ चाहे नहीं हूँ, मुझे करना पड़ता है। तो उस तरीके से मैंने कहा था कि ये तरीका मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी आर्टिस्ट को प्रॉब्लम भी हो सकती है। सो वो आज भी ये मैं रिकवर कर रहा हूँ, लेकिन कई लोग बोलते हैं कि अच्छा कि ये US चला गया शोज करने और शो बंद किया, ऐसा नहीं है। हम लोग फेब से प्रॉब्लम हुआ था, ये फेब से जून तक खींचते रहे। फिर मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, क्योंकि 1 साल पहले की कमिटमेंट थी US में भी लोगों की कि हम लोग US आ रहे हैं, कनाडा आ रहे हैं, सो वो लोग भी इतना प्यार करते हैं, वहाँ पे भी लोगों का पैसा लगा हुआ है, उन्होंने